सेक्टर 23 के निकट लठियावाला जोहड़ पर स्थित बाबा ज्योतनाथ की पुण्यतिथि पर ग्राम पंचायत पालुवास व हरिपुर द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नरेश द्वार ने बाबा की महिमा व जीवन का गुणगान किया। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। लठियावाला जोहड़ पर बाबा ज्योतनाथ के मंदिर में ग्राम पंचायत पालुवास, हरिपुर एवं आसपास के इलाके में बहुत से श्रद्धा है। वहीं ग्रामीण नरेश तंवर ने बताया कि बाबा ज्योतनाथ ने 23 नवंबर को ब्रह्मलीन हो गए थे और अपना चोला छोड़ा था। उन्होंने लठियावाली जोहड़ी पर आकर समाधि ली थी। उसी दिन से 23 नवंबर को बाबा के नाम पर भंडारा लगाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि जब भी पशुओं में कोई महामारी बीमारी आती है तो बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद बहुत सी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है और इस प्रकार बाबा के सम्मान में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 23 नवंबर 1967 दीपोत्सव बाबा का भंडारा करते हैं, गांव पालुवास करता है, हर बृहस्पतिवार जोत लग गए। यहाँ बाबा जीतनाथ की समाधि है। सन 1967 23 नवंबर को बाबा ने यहाँ पर समाधि ली थी और उनके अपने ब्रह्मलीन में विलीन हुए थे और 23 नवंबर को वो उस दिन के बाद लगातार आज तक ये 23 नवंबर को गांव पालुवास और हरिपुर और आसपास का इलाका सब मिलकर के ये भंडारे का आयोजन करते हैं। इस भंडारे के अंदर मुख्य रूप से खीर का वितरण किया जाता है और आसपास के अनेकों साधु संत महात्मा लोग आते हैं। यहाँ पर सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो व्यक्ति यहाँ आकर जो भी मनोकामना बाबा से करता है वही उसकी पूरी होती है।